केजीएफ चैप्टर 2 में रवीना टंडन कौन सा किरदार निभाएंगी, साथ ही किस वादे के बारे में केजीएफ चैप्टर 2 के ट्रेलर में बताया गया था। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। साथ ही इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। केजीएफ चैप्टर 1 मूवी में काफी विलन्स को इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि मूवी के स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग एंटी हीरोज थे, लेकिन उन सभी के नजरें हैं केजीएफ के ऊपर। रिक्वेल में रॉकी को बैंगलोर बुलाया जाता है गरुड़ा को मारने के लिए, जिस मिशन को रॉकी कंप्लीट कर देते हैं। चैप्टर 1 में बताया गया था कि केजीएफ के ऊपर पॉलिटिशियन रमिका सेन की भी नजर थी, लेकिन उस मूवी में सिर्फ ये दिखाया गया है कि रमिका सेन एक काफी पावरफुल वुमेन कैरेक्टर है, लेकिन उस कैरेक्टर का फर्स्ट लुक नहीं दिखाया गया था। केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर ट्रेलर में हमें रश्मिका सेन का पहली बार फुल लुक रिवील किया गया और इस कैरेक्टर को निभाने वाली बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस रवीना टंडन, और माना जा रहा है कि रवीना एक अहम रोल निभाएंगी इस मूवी में, और उनका रोल मूवी के सुपरस्टार रॉकी को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा ये जब कोलार गोल्ड फिल्म्स को अपने अंडर कंट्रोल में लेंगे। केजीएफ चैप्टर 1 कन्नड़ इंडस्ट्री के बिगेस्ट मूवी रही है और बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल भी। केजीएफ चैप्टर 2 मूवी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी होने वाली है, जिसका बजट 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इस सीक्वल को कन्नड़ लैंग्वेज के अलावा तमिल, मलयालम और हिंदी में भी डब किया गया है। केजीएफ चैप्टर 2 मूवी की शूटिंग अगस्त 2019 में ही शुरू कर दी थी, लेकिन कोलार गोल्ड फाइंस में सैनान हिल्स पर और मूवी के शेड्यूल के अकॉर्डिंग इस मूवी को अक्टूबर 23, 2020 को रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये ना हो पाया। अब सभी फैंस की नजरें हैं रॉकी के ऊपर, आखिर चैप्टर 2 में क्या वो दुनिया हासिल कर पाएगा या नहीं, क्योंकि मूवी के टीजर ट्रेलर में ये क्लियरली ये चीज मेंशन की गई है कि एक वादा किया गया था और उस वादे को रॉकी निभाएगा जरूर, यानी कि इस मूवी में रॉकी खुद से किए वादे को ना सिर्फ पूरा करेगा लेकिन उसके रास्ते में आने वाली हर मुश्किलों को हराएगा भी। आपके केजीएफ 2 मूवी के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही इसी के साथ खत्म करते हैं ये सिलसिला, कहने का कुछ अनकहा और सुनाने का कुछ अनसुना। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। स्क्रिप्ट रिटन बाय अभिषेक मिकी।